राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का 10वां, 11वां और 12वां अध्याय, जो है ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की आयु, शिव पूजन तथा देवताओं को उपदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम ही नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथों में देकर शिव जी ने कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु जी के एक दिन के बराबर होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इस क्रम में 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं, उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल और 8 पल की एक घड़ी का एक दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है, इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव भी अपने मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि प्रारंभ हो गई। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या चारों वर्णों को जिस शिव पूजन का अधिकार है उसकी क्या विधि है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने शरद कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था, वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि का ध्यान करे, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे, फिर शिव स्त्रोत का पाठ करे। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जावे, वहाँ एकांत स्थान में जाकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ मांजे, क्षत्रिय हो तो 4 बार, वैश्य हो तो 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांजे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पावों में 3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथों में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पांव धोने चाहिए। दांतों के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य और शूद्र 9 अंगुल की दांतों करें। षष्ठी, अमावस्या, नौमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय, श्राद्ध के दिन दातून ना करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान पर बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी की स्थापना करें, 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त तथा जो बागंबर ओढ़े हुए हैं, फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही खड़गन्यास करके शिव जी की पूजा आरंभ कर लें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे, फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहें कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल होवे। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाएं और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें।
फिर शिवजी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए पुनः आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिवजी की प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, तो वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवन, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें, सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। पद्म पराग मणिका लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीत मणिका धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नील मणिका विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्व देवा को इन 9 वसुओं को बनाकर दिए। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों को दधि का और छाया को मिट्टी का लिंग दिया। तो ये था 10वां, 11वां और 12वां अध्याय। नमो नारायण।